हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट है और वीडियो का मेन टॉपिक है सिंथेटिक फ्लोरिंग फॉर बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट और पिकल बॉल कोर्ट। ये कोर्ट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, करीबन 15 साल हो चुके हैं इसको। हम इस पर आज रिनोवेशन करेंगे, वापस से इसकी मरम्मत करके इसको नया लुक देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ और इस वीडियो को हम कंप्लीट 6 स्टेप्स में हम कंप्लीट कर लेंगे इसको ओवरऑल। तो उसकी प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ कि हम इसको कैसे क्या करेंगे। तो चलिए पहली स्टेप का शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है क्लीनिंग दी सरफेस। इसमें हम सरफेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, उसको स्क्रबिंग करेंगे और उसको पानी से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। हमारी जो पुरानी सतह है उसको साफ करके अच्छे से क्लीन कर और उसमें जो स्मॉल होल्स हैं उसको हम निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इसमें पूरी अच्छी तरीके से स्क्रबिंग कर रहे हैं। स्क्रबिंग करने से हमको ये पता चला कि पुरानी सतह जो है ग्राउंड की वो पूरी तरीके से डेड हो चुकी है, तो इसलिए हमने इस पर अब पूरी तरीके से ग्राइंडर लगा दिया है, जो कि अब ये पुराना जो ग्राउंड है हमारा इसको पूरा तरीके से, इसकी जो सतह है उसको छील देगा, निकाल देगा। पास में ही ये हमारा अभी पिकल बॉल ग्राउंड है जो कि लेटेस्ट इंटरनेशनल गेम्स है, जो कि अभी इंडिया में बहुत काफ़ी पॉपुलर हुआ है और इसका हम नेशनल भी करा चुके हैं। और ये अब जो सरफेस ग्राइंड हो रही है अच्छे तरीके से, इसको हम वाटर से क्लीन कर लेंगे और इसको एक दिन सूखने के लिए छोड़ देंगे। और ये सिंथेटिक फ्लोरिंग की बात की जाए तो इसकी ड्यूरेबिलिटी करीबन 7 से 10 साल तक की रहती है और ये काफ़ी एक्रेलिक हार्ड कोट हो जाता है। और आपको अगर पता हो तो एपॉक्सी फ्लोरिंग वो भी सेम ही रहती है, लेकिन वो शाइनिंग में रहती है और ग्लोसी फिनिश में रहती है और सिंथेटिक थोड़ा सा मेट फिनिश रहता है। हमारे 3 अलग अलग डिफरेंट्स ऑफ कोर्ट्स हैं। ये हमारा IST कैंपस है इंदौर में और ये ग्रीन नेट अभी हमने पेंट किए, इसका भी मैं डिटेल्स वीडियो लाऊंगा। और काफ़ी ब्यूटीफुल और साफ़ सुथरा कैंपस है हमारा IST इंदौर। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम सेकंड प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जो कि ये रिपेयर दी पेच वर्क्स। ये हमारे मन्नू भाई हैं जो कि काफ़ी मेहनती हैं। अब हम पेच वर्क्स रिपेयर करेंगे तो इसमें हम एडमिक्सचर्स बना रहे हैं जिसमें हम फाइन सैंड लेंगे और ये हमारा एक्रेलिक रबर फॉर्म में रहता है। और ये देख रहे हैं आप, जैसे कि वीडियो में ये हम पॉलीमर्स मिला रहे हैं जो कि वाटरप्रूफिंग में भी काम आता है। और साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का रबर फॉर्म में है जो कि रिसर्फेसर बोलते हैं इसको। और साथ ही इसमें माइक्रोन सेंट्स, जो फाइन सेंट्स रहती है वो मिलाएंगे। इन तीनों का एडमिक्सचर्स करते हुए हम पेचवर्क रिपेयर करेंगे। अब हम नेक्स्ट डे, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियोस में, अब हम थर्ड डे पे आ गए हैं। अब हम इसकी अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे जो हमने पेचवर्क रिपेयर किए थे, और अच्छे से क्लीनिंग करके हम जो हमारी थर्ड प्रोसेस है रोलिंग दी प्राइमर, इस सरफेस पे हम प्राइमर पेंट करेंगे। एक्रेलिक प्राइमर जो कि वाइट इन कलर रहता है, इसके हम 1 या 2 कोट अप्लाई कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। और इन दोनों अप्लाइंग कोट के बीच में जो इंटरवल्स रहता है करीबन 6 से 8 घंटे का गैप देना पड़ता है। जैसा कि आप फील्ड पर देख रहे हैं हमारा प्राइमर हो चुका है। चलिए भैया से हम ऑन फील्ड जानकारी लेते हैं। दादा बताओगे इसमें क्या क्या आइटम है? ये रबर का है केमिकल। नहीं तो अपन ने इसमें क्या मिलाया? सबसे पहले इसमें प्राइमर नहीं, अभी ये चिपचिपा हो रहा है, इसमें क्या प्राइमर मार दिया? प्राइमर हो गया, मार दिया। और फिर इसके बाद ये रिसर्फेक्सर होगा, दो हाथ ये काला कलर में रहता है। हाँ, ये दो हाथ। तो इसमें सेंट कौन सी, बारीक वाली मिलाई है? हाँ। अच्छा, रिसर्फेक्सर का कौन सा, प्राइमर का कौन सा डब्बा है? ये वाला। हाँ। अच्छा, रिसर्फेक्सर ये है। अच्छा, रिसर्फेक्सर। हाँ। लिक्विड में रहता है ये। अच्छा, इसके दो हाथ पड़ेंगे ना? हाँ, इसके दो हाथ पड़ेंगे। इसकी फिर इस कलर आ गया। हाँ। कलर आ गया 3 हाथ। और इसमें दो तरह की रेत मिलाते हैं ना सेंट? हाँ, तो ये बड़ा है। हाँ। और कलर में छोटा पतला मिला है। अच्छा, ये मोटा वाला है। हाँ, माइक्रोन्स में रहता है वो। ठीक है, थोड़ा ये अपन ने इसमें प्राइमर मार दिया जिसे थोड़ा बहुत। हाँ, प्राइमर मार चुके हैं। हाँ, वॉशिंग करके। पानी वानी तो बिल्कुल नहीं मिलाते होंगे? हाँ, ये मिलाते हैं थोड़ा बहुत। एक डिब्बे में 50 लीटर है।
हाँ सर, जिसमें 40 लीटर पानी मिला। अच्छा दादा से बात करके यह पता चला कि काफ़ी एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल बंदे हैं और जो कि सही एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अब हमारा जो फोर्थ स्टेप है अप्लाई रीसरफेसर, जो कि ब्लैक इन कलर रहता है और रबर फॉर्म में रहता है, इसके हम दो कोट अप्लाई करेंगे। तो आज ये अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसके दो कोट्स ये आज नाइट में प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने का। इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे होल्स रहते हैं वो इसमें पूरी तरीके से पैक हो जाते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सही मात्रा में रीसरफेसर को, जिसमें कि पॉलीमर्स और फाइन सैंड मिलाते हैं और इस फ्लोरिंग पे जो कि फ्लोरिंग वाइपर की मदद से इसको अच्छी तरीके से फैला देते हैं। अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग पर इसमें कंप्लीट रीसरफेसर के दो कोट हो चुके हैं और ये काफ़ी गुड लुकिंग है और ब्लैक इन कलर दिख रहा है आपको। बात करें फिफ्थ स्टेप की तो वो है अप्लाई दी कलर कोड, जो कि हम तीन लेयर में कलर अप्लाई करेंगे जो कि डिफरेंस इन कलर है। उससे पहले हमको इसकी मार्किंग करनी पड़ेगी, जैसे कि ये बास्केटबॉल ग्राउंड है, पिकल बॉल की हम मार्किंग कर चुके हैं तो इसमें हम मार्किंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे मन्नू भाई हैं, काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं और काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, इस फ्लोरिंग सिंथेटिक फ्लोरिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मार्किंग लेआउट कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो अप्रूव्ड हुआ है, उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा उभर कर आ रहा है। इसमें अभी एक्रेलिक बेस लेयर अप्लाई हो रही है, उसके बाद हम सेकेंड लेयर, देन हम फाइनल टॉप कोट अप्लाई होगा। इसमें डुअल टोन कलर यूज़ कर रहे हैं जो कि सभी डार्क टोन में अप्लाई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम फाइनल थर्ड लेयर कलर कोड की कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारी सिक्स स्टेप जो कि है मार्किंग। हम मार्किंग एज पर नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मास्किंग टेप, जिससे कि हमें एक्यूरेसी अच्छी मिले और मार्किंग अच्छे से निकल कर आए। और अब काम हमारा कंप्लीट हो जाता है लाइन मार्किंग के साथ। तो तैयार हो जाइए बास्केटबॉल खेलने के लिए एंड इट्स रेडी फॉर प्ले। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड ऑफ द वीडियो, आपको ऐसी और भी जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।